कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, अभी नबको स्कूल छोड़ा है थे। अब तो उसका स्कूल जो है वो 7:30 पे लग जाता है और 12 बजे उसकी छुट्टी होती है। और आज अभी नबका एग्ज़ाम है तो उसको फटाफट से स्कूल छोड़ाए थे हम लोग। और मैंने वही कुर्ती डाली है जो मैं नहीं लेके आई, टी शर्ट टाइप की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें गर्मी नहीं लगती, काम करते हुए गर्मी महसूस नहीं होती थी, तो इसलिए मुझे यही घर पर इस टाइप पर डालना ही पसंद है। और बस जब अभी नबको स्कूल से लेने के लिए जाऊंगी तब चेंज करके जाऊंगी। और ये मैंने वही डाले हुए हैं जो मैं लेके आई थी, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाए थे ना, तो ये आज डाल के चेक कर रही हूँ मेरे फेस पे कैसे लगते हैं। मुझे थोड़े और बड़े लेके आने थे तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बड़े बड़े। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, 9:30 हो गए हैं, दोपहर के लिए सब्जी बनाने बस अभी बना दूंगी, क्योंकि फिर अक्षिता सो रही है अभी, वो बीच बीच में तक करती रहती है, इसलिए मैं अभी बना दूंगी, वो सो रही है क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, इसलिए उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सोचा अक्षिता सो रही है तो फटाफट से बना लेती हूँ। दीदी आ गए हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं उस साइड। कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, एक बार के धुल गए हैं जो वाइट वाले होते हैं, और बाकी जो कलर्ड कपड़े हैं वो अभी लगाए हुए हैं मैंने वॉशिंग मशीन में, बस वो भी तकरीबन धुल ही गए हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, फटाफट से सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पैन रख लिया है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। ये पका हुआ ऑयल है, इसमें मैंने सुबह अभी नबके लिए पकोड़े बनाए थे आलू के, तो मैं यही वाला यूज़ कर लूँगी। इतनी देर मैं बाकी सब तैयारी करूँगी कढ़ाई पनीर बनाने के लिए। तो इतनी देर मैंने पनीर को क्या किया है, नमक और थोड़ी मिर्च लगा के रख दिया है, तो थोड़ी देर बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने प्याज और शिमला मिर्च को कट कर लिया है, तो पहले मैं प्याज को फ्राई करूंगी और फिर उसके बाद मैं शिमला मिर्च को फ्राई करूंगी। तो चलिए पहले फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और सेम ऑयल में मैं अब शिमला मिर्च भी फ्राई कर लूंगी। और अब सेम ऑयल में मैं पनीर को भी फ्राई कर लूंगी। पानी निकल रहा है तो वो थोड़ा टाइम लेगा फ्राई होने में। इतनी देर मैं इधर कढ़ाई रख, मैंने इस साइड कढ़ाई रख ली है, और इसमें मैं डाल लूँगी ऑयल, सेम ऑयल पकौड़ों वाला, क्यों वेस्ट करना जब रखा था। पनीर पे इस टाइप के निशान आ जाने चाहिए, ये जैसे ये निशान है ना, पूरे पनीर पे इस टाइप के निशान आ जाने चाहिए, तभी पनीर अच्छा लगेगा, कढ़ाई पनीर हमारा। बाकी अब होना स्टार्ट हो गया है, जस्ट होना स्टार्ट हो गया है। सेम बाउल में निकाल दूंगी मैं जिसमें मैंने पनीर को रखा हुआ था। जो पीछे सो गए हैं उनको हम निकाल लेंगे वरना वो ज़्यादा कुक हो जाएंगे। तो पनीर हमारा जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम ध्यान देंगे अपने ऑयल पे जो हमने रख दिया था। तो ऑयल जो है वो ऑलरेडी पका हुआ तो है ही, तो अब इसमें मैं गैस की फ्लेम को फुल करूँगी, मैंने सिम की हुई थी। नहीं, आप इसके बारे में जान लो, आके पोछा लगा के साफ कर लो इतनी देर। तो अब यहाँ पे ऑयल कुक हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, थोड़े खड़े मसाले, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, एक तेज पत्ता, और क्या डाला मैंने, बस और कुछ नहीं। हाँ, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के,
हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गार्लिक। और अब इसमें डाल दूंगी प्याज। जो टमाटर वगैरह हैं और प्याज है वो सब अच्छे से कुक हो गए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे पीसूंगी। तो चलिए पहले मैं इसे निकाल देती हूँ। टमाटर प्याज हैं तो इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और अभी मैं लूँगी जाके अक्षिता, क्योंकि वो उठ गई है और रो रही है। दिखाती हूँ आप लोगों को, गर्म है बहुत। और ये टमाटर जो भी मसाले मैंने अभी फ्राई किए हैं इन्हें भी मैं कमरे में ले जाऊंगी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों लो रहे हो तुम, क्यों लो रहे हो? पंखा बंद कर दिया आंटी ने। मैंने जो मसाला था वो सारा अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने कढ़ाई में लिया है और वो भी अच्छे से कुक हो गया है, पक गया है वो भी अच्छे से। और अब मैं इसमें ये सारा मसाला डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को पहले कम करेंगे। अब मैं गैस की फ्लेम को फुल कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। मसाला तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, प्याज लहसुन वगैरह तो ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, तो उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने उसे पहले ही अच्छे से पका लिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, और नमक हमने देख के ऐड करना क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक प्याज में भी डाला था और थोड़ा पनीर में भी डाला था। और ये हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और थोड़ा सा ही किचन किंग मसाला थोड़ा और ऐड करूँगी। थोड़ा सा ही लिया मैंने, अभी थोड़ा इसके बाद और ऐड करूँगी। तो ये सब मैं डाल दूँगी इसके अंदर। जो मसाला इसमें लगा तैयार रह गया था जग में वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और जो हमने सूखे मसाले डाले थे वो इसमें पक गए हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। आपने किस टाइप की ग्रेवी रखनी है इसमें आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें देखो बॉयल आना स्टार्ट हो गया जब मैंने पानी डाला था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमने जो फ्राई की थी शिमला मिर्च और ये प्याज। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम पनीर, ताकि जो मसाला है वो पनीर के साथ अच्छे से, जो ग्रेवी बस मैं इतनी ही रखूँगी, इससे ज़्यादा थिक ना तो थिक करूँगी और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतली करूँगी इसको, मैं बस इस टाइप की ग्रेवी रखूँगी मैं। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी जो जो और हमने करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन किंग ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं गरम मसाला। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी। और अब इन्हें हम सबको मिक्स कर देंगे। तो बस जो हमारी सब्जी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी अलग से एक बाउल में, और इससे ज़्यादा बस इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पनीर को जब फ्राई किया था हमने उसमें हल्का सा नमक डाला था। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर नमक जाएगा तो हम ज़्यादा देर तक पकाएंगे, नहीं, बस ये ठीक है, अब बनके बिल्कुल तैयार है। और अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और सब्जी को निकाल दूँगी एक बाउल में।
तो गाइस सब्जी मैंने बना ली थी, बस उसके बाद कोई भी वीडियो का क्लिप नहीं लिया। और उसके बाद हम चले गए थे मम्मी को लेने के लिए, शाम को मतलब 2-3 बजे से चले गए थे मम्मी को लेने के लिए। तो वहाँ पे शादी में जो रितु दीदी हैं, मेरे जो बड़े वाले सिस्टर इन लॉ हैं खनक की मम्मा, वो भी आए हुए थे। तो बस हम उन्हें भी लेके आ गए थे वहाँ से, तो हमने सोचा उनको छोड़ देते हैं, वो पिंजौर में रहते हैं। हमने पहले चंडीगढ़ से मम्मी को लिया और दीदी को लिया और उन्हें पिंजौर छोड़ने के लिए आए। तो फिर वो बोले कि इतनी दूर जब तुम लोग आए हो तो चलो मंदिर चलते हैं। तो यहाँ हम कालका जी आए थे, तो कालका जी में माता काली का मंदिर है, तो यहाँ पर आए हुए थे हम। तो बस यहाँ पर माथा टेकने के बाद हम गए थे। चल क्यों नहीं रुके, क्या प्रसाद लेना? प्रसाद लिया नहीं? वो कह रहे आ तो दो लोग के नहीं बैठती मम्मी। ये नानी भूल गई दादी को। आज ये कहां थी यार? तो ये गई तेरे, इसका ध्यान उधर गया। कहां गई? क्या दो यार, तो जमा ही करवा देना। 2-3 दिन में ही दादी को भूल गई। हां वो पीने का, ये पीने के लिए हाथ धोने का नहीं। इधर से जाने का रास्ता इधर से, अच्छा नहीं लोग इधर से जा रहे, इधर से जा रहे, चल वहीं से निकल जाए। एक गमले के आगे से गमले के यहाँ से, अरे गमले के यहाँ से निकल जाए। इधर देखिए अभिनव, इधर अभिनव वीडियो बन रही है, बहुत डर है। अबे वीडियो बन रही है, वीडियो ये क्या है? नीम के, नीम के क्यों रखे बताओ, जल्दी बताओ, कार के अंदर क्यों रखे नीम के? मैं मारूंगा, पहला ही करते हैं, मैं तोड़ दूंगा फोन। अरे चावल की ला रहा था, कड़े ही पत्ते चलने वाला था, करी करी गाड़ी है पीछे, एकदम पीछे मत हो ना गाड़ी में। अच्छी कमाई मार, अच्छी कमाई मार। नहीं ये तो पैसे लेके अपने मस्त हो गई, वीडियो बनेगी। चल ठीक है, बाय 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 कर दे, बाय बाय। मैं रोती हुई जा रही हूं, उधर तस्वीर दे, बस निकल रही हूं, बस निकल रही हूं। मैं कहती हूं जब ये ससुराल चली जाएगी हम जाए करेंगे, ये नहीं आए करेंगे हमारे घर। हां ताकि रोए ना, छुट्टियों में आई है, छुट्टियों में ठीक है। गाइस जस्ट अभी हम पहुंचे हैं घर, मम्मी को लेके आ गए हम शादी में से, और अक्षिता यहाँ पे बिस्किट खा रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बिस्किट खा रही है और ये इसका भाई, इसके पास लेटा है। बिस्कुट खा रहे हो आप? बिस्कुट खा रहे हो नोनी? ये बिस्कुट खा लिया। और जैसे ही हम खनक को, हमारे साथ ही थी खनक भी, तो शादी में उसको भी लिया था और घर पे छोड़ के आए थे दीदी को, नमन को और खनक को, और खनक रोने लगी जैसे घर जाने लगी अपने। उसको ना यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। और ये रही मम्मी, मम्मी ला रही है सामान उठा के जो और बाहर था। तो कैसी रही शादी? शादी बहुत बढ़िया हुई, बहुत बढ़िया हुई, मजा आया। 3-4 दिन रह के आए थे, बहुत ही भूल गई आपको है ना? भूल गई थी। चलो मैं चाय पी वाली, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मैं तो चाय पीऊँगी। 7 बज गए अभी, जस्ट घर पहुँचे हम, 5 मिनट हुए हैं सिर्फ, 5 मिनट, पानी भी नहीं पिया अभी। और ये ना पूछो सामान का, आई आई आई।
इन्होंने गेरा फेंका सारा सामान ये निकाल निकाल के, पता नहीं कुछ ढूंढ रहे थे। बाल पकड़ लिए, बाल नोच दिए, बाल नोच दिए अभिनव के। बाल नोच के बाल बाल क्यों पड़ रही है भाई? तो बुद्धि में लेकर रखता तो जो प्यार करता है। ये दादी को भूल गई थी, देख के रोने लग गई वहाँ पे। भूल गई थी, भूल गई थी। भाई तो बाल ना पड़ है, भाई तो प्यार करता है। अभी भूल गई दादी ने जो मैं कर दूँ। आ गया याद, आ गई याद, आ गई याद। आएगी आओ दादी को ज्ञान दे रहा है कि छोटे बच्चे डर जाते हैं। भाई तो बाल पट रहे लगा दो सारा, ये सारा शोक है। अरे आया, अरे बकवास कर रहा, पढ़ भाई बेटा। इसके नीचे से अपनी बाजू निकाल, नहीं निकाल, अच्छा नहीं लग रहा है वो, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। टी शर्ट बाल छोड़ दम्मी में, हाँ ऐसे ही करती है। मम्मी चाय पियोगे? बिल्कुल भी नहीं पीते। मैं तो चाय पीऊँगी क्योंकि मैंने शाम की आज चाय पी नहीं है, और बिना चाय के सर में दर्द होती है मेरे। लहंगे अभी ले उठा रही हूँ। नहीं बेटा, तो चलिए गाइस पहले मैं चाय, पहले तो मैं कपड़े चलूँगी और हाँ चले जाऊँगी दूसरे कमरे में, और उसके बाद मैं बनाने जाऊँगी चाय। और कल है अभिनव का एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम हो चुके हैं। कौन कौन सा हुआ है? इंग्लिश का हो गया और SST का हो गया। कल है हिंदी का, जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर सकता है मात्राओं की। पढ़ाई बिल्कुल याद इसको सारा है, सारा याद है, कुछ भी सुन लूँ उसमें से। टू लेसन ग्रामर के हैं, टू जो लिटरेचर है हिंदी की उसके हैं, ऐसे करके हैं। तो याद इसको सारा है, बट थोड़ी मात्रा में मिस्टेक करता है, तो इसको मैं चाय पीने के बाद लिखने के लिए दूंगी। तो क्वेश्चन वगैरह लिख के दूंगी, बैठ के उनके आंसर लिखेगा, और फिर मैं खाना पीना बनाऊंगी जो बनाना है सब। मात्रा कैसे लिखवाऊंगी? मतलब पूरा वर्ड लिखेगा तभी तो पता चलेगा मात्रा में कहाँ मिस्टेक कर रहा है। सिर्फ मात्रा कैसे लिखवा लूंगी मैं? दिमाग देख लो इसका, आइस तेरी रेड हो रखी। ये पूरे रास्ते सोता हुआ है इसका, तो मजे हैं अभी नबके। तो इधर से जाएगा चंडीगढ़, जाओ कहीं जाओ, बस थोड़ा टाइम ही 15-20 मिनट तक ही ये जागता रहेगा, उसके बाद सो जाएगा। उधर से आओ ये फिर सो जाता है, वैसे सोते हुए जाता है, सोते हुए जाता है, बीच रास्ते में कुछ नहीं देखता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दीदी को और रितु दीदी आए थे शादी में ही से, वो भी उनको भी उनके घर छोड़ गए, तो मंदिर गए थे, जो कि अपनी वीडियो देखी होगी अभी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गैस चाय मैं बना के ले आई हूँ, ये अभिनव का कप है दूध वाला, तो इसमें मैं चाय डाल के ले आई अपने लिए। तने प्लेट खींच ली मेरी मट्ठी की, नहीं 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 ऐसे ही करती है ये। अब ये सारा सामान अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे कौन सा होल होता है अभिनव, वो ब्लैक होल होता है ना, सारा सामान खींच लेता है, इसके आसपास का जो सामान बड़ा होता है ये सब खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है अपनी तरफ सारा खींच लेती है। इसका ध्यान जाएगा ना, अभी खींचने लग गई देखो। तो अब मैं चाय पीऊंगी और आटा वगैरह लगा के मैं आ गई हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाने जाऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी आपको क्वेश्चन लिख के दे के जाऊंगी लिखने के लिए। और अक्षिता मुझे देख रही है बहुत ही ध्यान से कि मम्मा ये क्या लेके आई है, क्या देख रही है मम्मा को, नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा? ऐसे नहीं पैरों पे हाथ नहीं लगवाते लड़कियों से, मैं कहाँ लगा रही हूँ, ये लगा रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।